स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम सैंपल पेपर 3 में पांचवें पार्ट पर आ गए, यानी 5 मार्क क्वेश्चंस, वो हमें डिस्कस करने। जैसे कि आपको पता है, ये सैंपल पेपर है, ये डिजाइंड है केंद्रीय विद्यालय और JNV के टीचर्स ने बनाए फॉर एग्जाम 2021 एंड ऑनवर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ई, 5 मार्क क्वेश्चंस, जो बड़े सवाल बनते हैं। वो देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर से और किस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। निश्चित रूप से इनमें से कुछ सवाल आपको मिलेंगे, और अगर पूरे 10 पेपर के आपने 5 नंबर वाले सवाल कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं बचता है बच्चों, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। सो टेस्ट क्वेश्चन नंबर 31, कुल मिलाकर 3 सवाल हैं, तीनों में आपके पास चॉइस है और लगा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, यानी सेमीकंडक्टर्स का है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है। सो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, सो यू हैव टू मेक डायग्राम्स फॉर दिस। सो हम लिखेंगे कंडक्टर्स, तो आप क्या करें, पहले जो है वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करें। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो लिखने की प्रैक्टिस करें, और जब आप लिख चुके हों तब आप जो है सॉल्यूशन देखें। द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स हैव टू पॉसिबिलिटीज, वैलेंस बैंड में बी कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड विद एन एक्सट्रीमली स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन दैम। बच्चों, ये सोडियम में होता है स्पेशली। फॉर एग्जाम्पल, इन सोडियम द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड वाइल द बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड। जबकि मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, बीच में कोई गैप होता ही नहीं है। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हैं, या कोई एक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, बट द टू ओवरलैप ईच अदर, है ना, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, इसका एग्जांपल इज जिंक, तो एग्जांपल ऑफ बैंड ओवरलैप मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, हालांकि सोडियम भी मेटल है, सोडियम एक्सेप्शन है। फिर अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, इंसुलेटर्स द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो हम इंसुलेटर की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जांपल के लिए डायमंड के लिए 5.4 होता है, पर ज्यादातर बुक्स में डेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होता है, विच मीन्स दैट ए मिनिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस सच ए सॉलिड द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्वायर सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, पर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी काफी ज्यादा है, एंड सो द कंडक्शन बैंड कंटिन्यूज टू बी ऑलमोस्ट एम्प्टी, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स, दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू सच सॉलिड्स, सो दे बिहेव एज इंसुलेटर। कोई इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों होता है, बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम फिजिक्स में भी समझा सकते हैं बच्चों, और यही फैक्ट सॉलिड स्टेट में चैप्टर में केमिस्ट्री में भी हम समझा सकते हैं। तीसरा जो है सेमीकंडक्टर, तो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर इज सिमिलर टू दैट ऑफ इंसुलेटर्स, बट इन देयर केस साइज ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज मच स्मॉलर, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन की बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम की बात करें तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ड्यू टू द स्मॉलर विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड फाइंड इट कंपैरेटिवली ईजियर, वो शिफ्ट हो जाएंगे एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में। So the conductivity of silicon is in between the conductors and insulators, and इसलिए हम इसको बोलते हैं semiconductor। तो बच्चों, ये description आ गया तीनों का, ये था question number 31। इसमें और part में दूसरा सवाल है जो semiconductor पर ही based है। अब आप सोचें, AC लिखा हुआ है तो कहीं EMI AC का तो नहीं, तो AC का नहीं बच्चों। An AC signal is fed, दिया जाता है, into 2 circuits X and Y। So 2 circuits हैं हमारे पास, ये block बने हुए X and Y। And the corresponding output in the two cases have the waveforms as shown। यहाँ आपको output इस तरह का मिलता है, इसको बोलते हैं pulsating DC, आपने पहचान लिया होगा। Y से इस तरह का मिलता है, इसको हम कहते हैं fluctuating DC, कम ज़्यादा हो रहा है। Identify the circuits X and Y। तो लिख लीजिए आपका आंसर। Draw their labeled circuit diagrams, वो भी आपको बनाने हैं। Briefly explain the working of circuit Y। इसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है। हाउ डज द आउटपुट वेवफॉर्म फ्रॉम सर्किट वाई गेट मॉडिफाइड व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स पैरेलल टू द लोड रेजिस्टर।
इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, यानी आप इसको अच्छे से तैयार करें। तो पूरी डिटेल लिखने के बाद फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ, वीडियो को पॉज कर लें। आप पहचान गए होंगे एक्स एक्स क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, वाई क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है, और आपको फुल वेव रेक्टिफायर को समझाना है, और ये कैपेसिटर जब लगा देंगे तो फिल्टर सर्किट बन जाएगा। तो इसके बारे में पूरा लिख लीजिए, एक्स इज हाफ वेव, वाई इज फुल वेव रेक्टिफायर, उनके सर्किट्स बनाने हैं आपको एनसीईआरटी में दिए हुए। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ड्यूरिंग पॉजिटिव आप डिस्क्राइब कर देंगे। बच्चों ये डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता नहीं, बस वहां पर होना चाहिए। एग्जामिनर सीधे इस पे टिक लगाता है, आपको पूरे नंबर देता है अगर आपने सर्किट सही बनाया था। कैपेसिटर लगाने पर क्या होगा, आप डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं और लैंग्वेज में लिखकर भी समझा सकते हैं, दोनों के लिए आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप ग्राफ के थ्रू भी इसको समझा सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में कैपेसिटर का इफेक्ट समझाया हुआ है, फिल्टर सर्किट ये इस तरह से कुछ कि पीक टू ट्रफ डिस्टेंस कम हो जाता है कैपेसिटर लगाने के बाद, फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी ये जो फ्लक्चुएटिंग डीसी है वो उसमें फ्लक्चुएशंस कम हो जाते हैं। तो कैपेसिटर का मैकेनिकल एनालॉग अगर हम बात करें तो फ्लाईव्हील है, जब ज्यादा एनर्जी आती है तो अपने पास स्टोर कर लेता है, जब कम आती है तो अपने पास से एनर्जी सप्लाई करता है। कार आपने चलाई होगी बचपन में, स्पाइडरमैन का खिलौना का, एक तरह से काले काली एक तरह से लाल, तीन चार बार से रगड़ कर छोड़ दो उसको तो अंदर एक भारी सा चक्का होता है, मोशन में आ जाता है, वो अपने पास एनर्जी स्टोर करता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर आपने छोड़ दिया तो वो फिर धीरे धीरे चलती आ गई। कैपेसिटर ये काम कर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं बच्चों, पांच नंबर में ये सवाल, सीरीज एलसीआर सर्किट, बहुत चांसेस है एसी से आपको एक सवाल मिलना है पांच नंबर में। कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, हम जोड़ के फ्रीक्वेंसी वेरी कर, draw a suitable phasor diagram to deduce the expression for the amplitude of the current and phase angle. तो हमें phasor diagram से बनाकर इसको बता। Second है, obtain the condition at resonance, यानी आप FR equal to 1 upon 2 pi under root of LC, XL equal to XC करके derive कर देंगे, XL equal to XC. Draw a plot showing the variation of current with the frequency of AC source for two resistors, ये NCERT में बना हुआ है, R1 and R2. R1 greater than R2, आप चाहें तो R1 को twice of R2 ले सकते हैं। तो ये फिर से most important question है AC का, ये जो graph है, hence define the quality factor। तो मैं आपको फिर से clear कर दूँ, याद दिला दूँ, बच्चों आपके syllabus से जो इस साल delete हुआ है वो है 2021 के लिए सिर्फ, बाकी 2022 का syllabus आ चुका है and it is exactly same as last year जो 2020 में था। तो आपके सिलेबस से पावर फैक्टर हटा है, वाटलेस करंट हटी है, पर क्वालिटी फैक्टर आपके सिलेबस में है, हालांकि मेंशन नहीं है। राइट इट्स रोल इन द ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट, वो आपको बता है ट्यूनिंग में उसका क्या रोल है। तो जहां मेरे थ्योरी के लेक्चर से वहां मैंने पूरा फुल डिटेल में इसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन एक बार लिखने की कोशिश करें, फिर ये देखें सॉल्यूशन इस तरह से फेजर डायग्राम हमने बनाया, VL plus VR plus VC, magnitude of net voltage वो हमने निकाला, इनमें से एक भी quantity vector नहीं है, पर treatment पूरा vectors के जैसा है। तो phi हमने निकाले, tan inverse XC minus XL upon R, इसी से phasor diagram से, ये बहुत ही आसान तरीका होता है phasor diagram, इसी को आपको practice करना है। तो exam में जब भी question आ रहा है आप phasor diagram से करेंगे काम। फिर ये graph आ गया, resonance की condition हमने निकाल दी, R2 R1 के लिए ग्राफ खींचते हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये भले ही आप ना लिखें चलेगा, ओरिजिन जरूर मार्क करें और यहां रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मार्क करें। क्वालिटी फैक्टर जो है इसके कई फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी ओमेगा 0 L अपॉन R यानी XL अपॉन R। तो कोई सा भी एक फॉर्मूला आप ले सकते हैं, FR अपॉन F2 माइनस F1 भी क्वालिटी फैक्टर के लिए है, और ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन करता है, लार्जर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर कोरिस्पोंड्स टू शार्पर रेजोनेंस, रेजोनेंस जितना शार्प होगा उतना ही अच्छा है। क्यों, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिटेल लेक्चर, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। और में जो क्वेश्चन है 32 में, सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स,
यूजिंग द फेजर डायग्राम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, जेड का एक्सप्रेशन हमें निकालना है, फेजर डायग्राम। प्लॉट ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ इट्स वेरिएशन। पूछने का तरीका अलग हो गया है, ग्राफ वही है करंट वाला। सपोज ए रेजिस्टेंस आर न्यूमेरिकल जोड़ दिया गया, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी इन सीरीज, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस इट। सिंस ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल इज सेम। वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एल इज वी एल, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस वी आर एंड वी एल, वी सी माइनस वी एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ये हमने अज्यूम कर लिया, ये सॉल्यूशन चल रहा है बच्चों, दिस इज सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन, एक पीछे चले गए वापस आ गए, सो हियर इज द सॉल्यूशन। हमने एलसीआर सीरीज सर्किट बनाया, वहां सोर्स लगाया और ये फेजर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहे तो, ये जानते हैं आप सारी चीजें कैसे आएगा। अभी यहाँ पे R1 R2 के लिए नहीं है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है। यहाँ पे ग्राफ में ये भी मार्क कर देना चाहिए शुरू में, ये कैपेसिटिव होता है नेचर में, यहाँ पर F इक्वल टू FR पे रेजिस्टिव हो जाता है, उसके बाद इंडक्टिव हो जाता है, करंट का वेरिएशन यहाँ दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर 3 बच्चों। इसके बाद ये सैंपल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट है physicsgyan.com, वहाँ एक बार आपको रजिस्टर करना पड़ता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ एलन के सौजन्य से। तो वहाँ एक बार रजिस्टर करने के बाद आप जाएंगे वहाँ टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में फिजिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ सैंपल पेपर फॉर 2021, तो दो सैंपल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्वेश्चन अलग है सॉल्यूशन अलग है, 1 और 2, ये तीसरा भी आपको मिल जाएगा। ऐसे जैसे जैसे मैं डिस्कस करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो 33 का फर्स्ट, डिस्क्राइब एनी टू करेक्टरिस्टिक फीचर्स विच डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन फेनोमेना। ऑप्टिक्स से आ गया क्वेश्चन, ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, दो से तीन क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में मिलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में किसे प्रेफर करेंगे और क्यों, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वैसे तो फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन निकलवाते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी के लिए निकल पाया, आप समझ रहे होंगे ये कौन सा है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट वाला जो है, आई इक्वल टू या आई रिजल्टेंट इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2 वो डिराइव कर। सेकेंड पार्ट है, इन द डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी फ्रॉनहोफर कैटेगरी द अपर्चर ऑफ द स्लिट इज 3 मिलीमीटर, तो स्मॉल ए दिया हुआ आपको। इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। ये बहुत समझने की जरूरत है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, इनके बीच का गैप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन, ए की तरफ की बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन कैपिटल डी आपको 1.5 मीटर दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इसकी पोजिशन कैसे निकालेंगे, ए साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा पौने, और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा तो उसके लिए क्या करना होगा, डिटेल लेक्चर में आप जाकर फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं तो वहां से फॉर्मूला आता है 2n+1 λ/2a ऐसे करके। सो जस्ट ट्राई टू राइट द सॉल्यूशन, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, पूरा सॉल्यूशन जब आप लिख लें तो फिर सॉल्यूशन देखें। टू करेक्टरिस्टिक फीचर, इंटरफेरेंस पैटर्न हैज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, पैटर्न बना भी सकते हैं, व्हाइल डिफ्रेक्शन पैटर्न हैज सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम व्हिच इज ट्वाइस एज वाइड एज द अदर मैक्सिमम। इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड बाय सुपरइम्पोजिंग टू वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स, एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न इज द सुपरपोजिशन ऑफ द कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन ए सिंगल स्लिट, और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स S1, ये इतना आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम डिराइव कर रहे हैं, उससे आगे की बात, ये एनसीईआरटी में है डेरिवेशन, वहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, जहां से आपको आसान लगे। तो आ गया k टाइम्स a स्क्वायर और k टाइम्स 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा / 2, जिसको हम इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं।
डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा सेंटर से लैम्डा डी बाई ए, ये लीनियर डिस्टेंस हो गया बच्चा, लैम्डा बाई ए एंगुलर पोजीशन थी, एंगुलर डिस्टेंस थी। थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा जाएंगे तो 7d लैम्डा बाई 2a, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5d लैम्डा बाई 2a। तो ये कैलकुलेशन समझकर आपको करनी है, डायग्राम को देखकर समझकर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। और इसका ऑर्डर जरूर वेरीफाई कर लें, इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी इन अप्रोप्रिएट रेंज। आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो कैलकुलेशन दोबारा चेक करें। और पार्ट पे चलते हैं 33 के। YDIC का क्वेश्चन है, डिड्यूस द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न अगेंस्ट पोजीशन एक्स ऑन द स्क्रीन। तो सेम बना सकते हैं, लुक लाइक दिस। ये आप लिख कर प्रैक्टिस कर लें, आपने जो भी तरीके से सीखा वो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थीटा से जाते हैं तो भी ओके है, आप अगर बायनोमियल एक्सपेंशन से जाते हैं तो भी ओके है, एनसीईआरटी के मेथड से जाते हैं तो भी ओके है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सब में आपको नंबर मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन निकालनी है और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन आपको निकालनी है, और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना। तो बच्चों ये हमने सैंपल पेपर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, फिर जल्दी मिलते हैं सैंपल पेपर 4 के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।